बच्चों अब हम कार्तिक गुणन पर आधारित प्रश्न समझते हैं। पहला प्रश्न ले लेते हैं। ये प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक एससीईआरटी की बुक टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है। ये क्वेश्चन है, यदि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्रमित युग्म ए कॉमा एक्स कॉमा ए कॉमा वाई कॉमा बी कॉमा एक्स कॉमा पी कॉमा वाई तो समुच्चय ए तथा समुच्चय बी ज्ञात कीजिए। इसे हल करते हैं। बच्चों प्रश्न में कार्तीय गुणन दिया है और हमें समुच्चय ज्ञात करना है। क्योंकि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा एक्स कॉमा ए कॉमा वाई कॉमा बी कॉमा एक्स कॉमा बी कॉमा वाई ये हमें दिया गया है। परंतु ए क्रॉस बी होता क्या है, परिभाषा आपको पहले बताया जा चुका है। ए क्रॉस बी क्रमित युग्म ए कॉमा बी का समुच्चय होता है जहां स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए तथा स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट बी होता है। देयरफॉर पहला क्रमित युग्म a कॉमा एक्स के लिए a कॉमा एक्स बिलोंग्स टू a क्रॉस b देयर एम्प्लाइज स्मॉल a बिलोंग्स टू सेट a और x बिलोंग्स टू सेट b। ठीक इसी प्रकार से दूसरा क्रमित युग्म a कॉमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b देयर एम्प्लाइज स्मॉल a बिलोंग्स टू a कॉमा y बिलोंग्स टू b। तीसरा क्रमित युग्म b कॉमा x बिलोंग्स टू a क्रॉस b देयर एम्प्लाइज b बिलोंग्स टू सेट a कॉमा स्मॉल x बिलोंग्स टू सेट b। और लास्ट क्रमित युग्म b कॉमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b देयर एम्प्लाइज स्मॉल b बिलोंग्स टू सेट a कॉमा y बिलोंग्स टू सेट b। अब हमें सेट a और सेट b ज्ञात करना है। तो a क्रॉस b के लिए सेट ए क्या होगा और सेट बी क्या होगा। तो बच्चों पहला क्रमित युग्म के पहला अवयव से बना समुच्चय समुच्चय ए होगा एवं क्रमित युग्म के दूसरा अवयव से बना समुच्चय समुच्चय बी होगा। तो यहां से स्पष्ट है कि समुच्चय ए बराबर स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी तथा समुच्चय बी बराबर स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि समुच्चय ए बराबर माइनस वन कॉमा वन हो तो ए क्रॉस ए ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इसे हल करते हैं। क्रमित युग्म का परिभाषा आपको यहां पर पहले बताया जा चुका है। इस प्रश्न में क्रमित त्रिक ज्ञात करना है अर्थात ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रमित त्रिको स्मॉल ब्रैकेट में स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी कॉमा स्मॉल सी का समुच्चय होता है जहां ए क्रॉस ए उन सभी क्रमित त्रिको ए कॉमा बी कॉमा सी का समुच्चय होगा जहां स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी बिलोंग्स टू सेट ए। अब चूंकि हमें दिया गया है समुच्चय ए इज इक्वल टू माइनस वन कामा वन देयरफॉर ए क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस वन कामा वन क्रॉस माइनस वन कामा वन देयर एम्प्लाइज ए क्रॉस ए इज इक्वल टू। बच्चों यहां पर हम पहले माइनस वन का हम क्रमित युग्म समुच्चय माइनस वन और वन के साथ बनाते हैं फिर वन के साथ क्रमित युग्म बनाते हैं। तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस वन कॉमा माइनस वन कॉमा माइनस वन कॉमा वन कॉमा वन कॉमा माइनस वन कॉमा वन कॉमा वन। इस प्रकार ए क्रॉस ए में चार क्रमित युग्म मिलेंगे अर्थात ए क्रॉस ए चार क्रमित युग्मों का समुच्चय है। अब ए क्रॉस ए इज इक्वल टू क्रमित युग्मों का समुच्चय माइनस वन कॉमा माइनस वन
कॉमा माइनस वन कॉमा वन कॉमा वन कॉमा माइनस वन कॉमा वन कॉमा वन क्रॉस माइनस वन कॉमा वन के साथ करते हैं। तो हमें अब ए क्रॉस ए क्रमित युग्मों का नया समुच्चय मिलेगा। ये क्रमित्रिक हैं माइनस वन कॉमा 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 वन कॉमा माइनस वन कॉमा वन कॉमा माइनस वन कॉमा माइनस वन कॉमा वन कॉमा वन कॉमा वन कॉमा माइनस वन कॉमा माइनस वन कॉमा वन कॉमा माइनस वन कॉमा वन कॉमा वन कॉमा वन कॉमा माइनस वन कॉमा वन कॉमा वन कॉमा वन। अर्थात हमें ए क्रॉस ए में हमें यदि हम इसकी संख्या गिने तो आठ क्रमित त्रिक प्राप्त होगा, यही हमारा आंसर होगा। एक और उदाहरण लेते हैं बच्चों, ये उदाहरण है माना समुच्चय ए इज इक्वल टू वन कॉमा टू और समुच्चय बी इज इक्वल टू थ्री कॉमा फोर। तो कहता है ए क्रॉस बी लिखिए, फिर कहता है ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। बच्चों इस प्रश्न में तीन बात पूछा है, पहला समुच्चय ए और समुच्चय बी का कार्तीय गुणन लिखना है, दूसरा कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय है ये लिखना है, फिर उनको सूचीबद्ध करना है। तो चलिए हल करते बच्चों, प्रश्न में दिया गया है समुच्चय ए इज इक्वल टू वन कामा टू और समुच्चय बी इज इक्वल टू थ्री कामा फोर। पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं अर्थात वन कामा टू क्रॉस थ्री कामा फोर। तो ए क्रॉस बी जो है क्रमित युग्मों वन कॉमा थ्री कॉमा वन फोर कॉमा टू थ्री कॉमा टू फोर मिलेगा। हम जानते हैं कि यदि किसी समुच्चय में एन अवयव हो तो उनकी उप समुच्चयों की संख्या, बच्चों आप समुच्चय के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इज इक्वल टू एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सो ऑन अप टू प्लस एन सी एन। अर्थात इसका अर्थ है एक भी अवयवों को नहीं लेकर बनाए गए समुच्चयों की संख्या, फिर एक अवयव को लेकर बनाए गए समुच्चयों की संख्या, फिर दो दो अवयवों को लेकर बनाए गए समुच्चयों की संख्या, फिर तीन तीन अवयवों को लेकर बनाए गए समुच्चयों की संख्या प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में सभी अवयवों को लेकर बनाए गए समुच्चयों की संख्या। यदि हम इसको सरलतम रूप में लिखें तो इसका मान होता है दो की घात n। ये संचय के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। अर्थात बच्चों हमें ये याद रखना है कि यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n हो तो उनकी कुल उपसमुच्चयों की संख्या दो की घात n होती है। अब चूंकि कार्तीय गुणन a क्रॉस b में अवयवों की संख्या चार है, अर्थात n ऑफ a क्रॉस b बराबर चार। आप ऊपर देख सकते हैं बच्चों चार क्रमित युग्म मिले हैं a क्रॉस b में, इसलिए a क्रॉस b के उपसमुच्चयों की संख्या 4c0 प्लस 4c1 प्लस 4c2 प्लस 4c3 प्लस 4c4 इज इक्वल टू 2 का पावर 4। 2 का पावर 4 को सरल करने पर आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अर्थात 16। अर्थात कार्तीय गुणन a क्रॉस b के कुल उपसमुच्चयों की संख्या 16 होगी। अब हम इसे सूचीबद्ध करते हैं। a क्रॉस b के उपसमुच्चय हैं पहला फाइ, फिर एक एक अवयव लेकर के, फाइ का मतलब बच्चों रिक्त समुच्चय है, फिर एक एक अवयव लेकर के बनाए गए समुच्चय क्रमशः वन थ्री वन फोर टू थ्री टू फोर,
फिर दो दो अवयव लेकर बनाया गया समुच्चय 1314, 1323, 1324, 1423, 1424, 2324। फिर तीन तीन अवयवों को लेकर बनाए गए समुच्चयों की संख्या 13, 14, 23, 23, 24, 14, 23, 24, 14, 23, 24। और सभी अवयवों को लेकर बनाए गए समुच्चय, अर्थात चारों अवयवों को लेकर बनाए गए समुच्चय अर्थात 13, 14, 23, 24। इस प्रकार से आप इन 16 उपसमुच्चयों को सूचीबद्ध कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन कहता है कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, जिनमें -1, 0 तथा 0, 1 भी हैं। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयवों को ज्ञात कीजिए। बच्चों, हल जब हम करेंगे तो पहले हम प्रश्न पर विशेष ध्यान देंगे। प्रश्न में देखिए क्या दिया है, ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, अर्थात एन ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 9। अब हमें परिमित समुच्चय के लिए ज्ञात है एन ऑफ ए क्रॉस ए वही होता है जो एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए। अब चूंकि एन ऑफ ए क्रॉस ए 9 दिया है और एन ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए होता है, तो 9 के ये गुणनखंड एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए के रूप में यदि लिखे तो 3 × 3 होगा। यहां से स्पष्ट हो जाता है कि एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3, अर्थात समुच्चय ए में कुल 3 अवयव होंगे। अब हमें ए क्रॉस ए के 2 क्रमित युग्म दिए गए हैं, अर्थात -1, 0 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, देयर एम्प्लाइज -1 बिलोंग्स टू ए एंड 0 बिलोंग्स टू ए, तथा दूसरा क्रमित युग्म 0, 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, देयर एम्प्लाइज 0 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए। अब यहां से देखने मिल रहा है बच्चों, आप गौर से देखें, -1 बिलोंग्स टू ए, 0 बिलोंग्स टू ए और 1 बिलोंग्स टू ए, यानी -1, 0 और +1 ये तीनों समुच्चय ए के अवयव हैं। देयरफॉर ए इज इक्वल टू, यानी समुच्चय ए इज इक्वल टू -1, 0, 1। अब ये पूछा है ए क्रॉस ए के शेष अवयवों को भी निकालिए, तो हम पहले ए क्रॉस ए के अवयव को प्राप्त कर लेते हैं। ए क्रॉस ए इज इक्वल टू -1, 0, 1 क्रॉस -1, 0, 1। तो हम -1 फिर 0 फिर 1 के साथ क्रमशः -1, 0, 1 के साथ क्रमित युग्म बनाते हैं। पहले हम -1 के साथ क्रमित युग्म बना लेते हैं, -1, -1 फिर -1, 0 फिर -1, 1 फिर 0 के साथ क्रमित युग्म बनाते हैं, 0, -1, 0, 0 फिर 0, 1 फिर 1 के साथ क्रमित युग्म बनाते हैं, 1, -1, 1, 0, 1, 1। इस प्रकार से ए क्रॉस ए में कुल 9 क्रमित युग्म दिख रहे हैं। इनमें से 2 क्रमित युग्म प्रश्न में ही दे रखा है, -1, 0 और 0, 1। तो इनमें से इनको छोड़ देते हैं तो ए क्रॉस ए के शेष अवयव मिलेगा -1, -1, 0, -1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1। अब इस पर आधारित एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन है, माना समुच्चय ए इज इक्वल टू 1
कॉमा टू कॉमा थ्री, समुच्चय बी इज इक्वल टू थ्री कॉमा फोर तथा समुच्चय सी इज इक्वल टू फोर कॉमा फाइव कॉमा सिक्स। तो ज्ञात कीजिए, पहला ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, और दूसरा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। बच्चों यदि हम इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो हमें कार्तीय गुणन का सर्वनिष्ठ और कार्तीय गुणन का संघ निकालना है। तो आपको समुच्चय के चैप्टर में सर्वनिष्ठ और संघ की परिभाषा बताया जा चुका है। सर्वनिष्ठ मतलब जो उभयनिष्ठ अवयव हैं उनको लेकर बनाया गया समुच्चय, और संघ मतलब सभी अवयवों को लेकर बनाया गया नया समुच्चय। तो चलिए बच्चों हम सबसे पहले इसको हल करते हैं और ए क्रॉस बी पहले निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वन कॉमा टू कॉमा थ्री क्रॉस थ्री कॉमा फोर। अब हम क्रमशः ए के पहला अवयव वन का समुच्चय बी के दोनों अवयव के साथ क्रमित युग्म बनाते हैं। ये होगा वन थ्री वन फोर, फिर दो के साथ समुच्चय बी के अवयव का के साथ क्रमित युग्म बनाते हैं, ये मिलेगा टू थ्री टू फोर। फिर ए के तीसरा अवयव तीन का समुच्चय बी के सभी अवयव के साथ क्रमशः क्रमित युग्म बनाते हैं, ये मिलेगा थ्री 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 फोर। और इस प्रकार ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वन थ्री कामा वन फोर कामा टू थ्री कामा टू फोर कामा थ्री थ्री कामा थ्री फोर। अब ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस सी इज इक्वल टू वन कामा टू कामा थ्री क्रॉस फोर कामा फाइव कामा सिक्स। ठीक उपरोक्त अनुसार हम यहाँ पर क्रमित युग्म बनाते हैं, पहले वन के साथ वन फोर कामा वन फाइव कामा वन सिक्स, फिर टू के साथ टू फोर कामा टू फाइव कामा टू सिक्स, फिर थ्री के साथ क्रमित युग्म बनाते हैं थ्री फोर कॉमा थ्री फाइव कॉमा थ्री सिक्स। इस प्रकार ए क्रॉस सी हमें मिलता है वन फोर वन फाइव वन सिक्स टू फोर टू फाइव टू सिक्स थ्री फोर थ्री फाइव थ्री सिक्स। अब हम पहला सवाल करते हैं। पहला इन्होंने पूछा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो चलिए बच्चों ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी को देखिए, दोनों में कॉमन एलिमेंट यानी दोनों में जो क्रमित युग्म मौजूद है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी दोनों में जो मौजूद क्रमित युग्म है उसको पृथक करते हैं। तो क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, देखिए आप वन फोर दोनों में है, टू फोर दोनों में है, थ्री फोर दोनों में है। इस प्रकार ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इज इक्वल टू वन फोर कॉमा टू फोर कॉमा थ्री फोर। ठीक इसी प्रकार हम ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी निकालते हैं। तो अब आप देखें ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के सभी अवयवों को सम्मिलित करके एक नया समुच्चय बनाए। बस बच्चों ध्यान रहे जो अवयव ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी दोनों में है उसको हम बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। तो हमें ये नया समुच्चय अर्थात ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी मिलता है वन थ्री कामा वन फोर कामा वन फाइव कामा वन सिक्स कामा टू थ्री कामा टू फोर कामा टू फाइव कामा टू सिक्स कामा थ्री थ्री कामा थ्री फोर कामा थ्री फाइव कामा थ्री सिक्स।